गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द यूएस क्लास। यस चिल्ड्रन, वी आर रीडिंग द चैप्टर क्लोथ्स वी वियर। टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट मटेरियल्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज टू मेक क्लोथ्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल। These are the three types of material. What are that? Cotton, silk and wool. These three materials used to make clothes. Okay? We get cotton from cotton plants. Cotton, what is this? It is cotton plant. You wear the cotton cloth. These clothes make from this cotton plant. This plant give us cotton and by the machines or in factories, the clothes are made by cotton. First, how it is used to make clothes? First, we make thread by spinning it. ये जैसे आप देख रहे हैं ना, इसको spin किया जाता है and make thread, and this thread is called yarn. Okay children, it is the process to make thread from the cotton. As we are seeing here, it is cotton plant, it is cotton fiber. ये एक फ्लावर है, लाइक फ्लावर, जो कॉटन होता है उस पर एक जैसे फ्लावर के जैसे लगता है, ठीक है। फिर इस कॉटन जो फ्लावर है, इसको हम स्पिन करते हैं मशीन से, या ऐसे पहले विलेजेज में लोग ऐसे स्पिन करते थे, और उसके बाद उसका यार्न बनाते हैं, देन दैट यार्न इज यूज टू मेक क्लोथ्स। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉटन clothes. Now next, wool. Wool is used to make woolen clothes. Those clothes we wear in winter. From where do we get wool? We get wool from the hair of sheep. What is this? It is sheep, camel and rabbit. So these hair are cleaned and then spun into woolen. ये हेयर डायरेक्ट इससे हम नहीं वूलन क्लोथ बनाते हैं, पहले इसको स्पन किया जाता है हम, और इसको वूलन जैसे ये यहाँ पर थ्रेड बना जाता है, ऐसे ही वूल को भी हम थ्रेड के जैसे एक ऊन वूलन थ्रेड बना लेते हैं। तो दैट वूल इज यूज टू नीट स्वेटर, कैप्स एंड सॉक्स। दोज वूलन क्लोथ्स यू वियर, ऑल दीज क्लोथ्स मेड बाय दिस वूल थ्रेड। इट इज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऊन का कोला। ये आपने देखा होगा, आपकी मम्मी स्वेटर नीट करती है आपके लिए, आपकी सॉक्स, आपके लिए स्कार्फ, कैप, तो उनके पास एक ऊन का कोला। तो ये ऊन का कोला कहाँ से मिलता है हमें? शीप से मिलता है। एंड शीप का जो वूल है, जो वूल हम निकालते हैं, वो मशीन में भेजा जाता है, एंड मशीन इसको ऐसे वूलन थ्रेड के रूप में हमें मार्केट में निकालते हैं, देन वी गेट इट एंड मेक ए स्वेटर। स्वेटर्स भी मशीन से बनाए जाते हैं, हाथ से, दे आर नीटेड बाय हैंड आल्सो। ओके, इट्स द प्रोसेस ऑफ वूलन क्लोथ। नाउ लास्ट इज सिल्क। सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म। इट इज दिस इंसेक्ट वी आर सीइंग। व्हाट इज दिस? इट इज अ सिल्क वॉर्म। तो द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द मलबरी प्लांट। मलबरी लीव्स, तो ये प्लांट होता है एक सिल्क प्लांट, उस पर ये सिल्क वॉर्म रहता है और इसको ये ईट करता है, इट ईट्स इट, एंड सिल्क थ्रेड इज वेरी फाइन। तो इसकी जो लार, एक लार निकालता अपने माउथ से, उस लार को मशीनों में उसको स्टोर किया जाता है, और उससे एक जैसे हम वूलन और कॉटन थ्रेड बनाते, उससे थ्रेड बनाते हैं, एंड दिस थ्रेड इज आल्सो यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स। ओके, तो ये सिल्क वॉर्म है। फिर इसके जो, इसकी जो लार होती है, उससे हम थ्रेड बनाते हैं, और थ्रेड इज यूज टू मेक सिल्क क्लोथ। तो चिल्ड्रन, टुडे वी रीड अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल। व्हाट इज? कॉटन, वूल एंड सिल्क। All these three materials used to make
different types of cloth that we wear in our daily life. Children, you read this chapter, full chapter you read. You had 2 days holidays. Okay, Saturday and Sunday. How many pages I taught you? 1, 2, 3, 4 pages I taught you. So all these 4 pages you revise and read. Monday we will finish the last page and then give you question answers. Okay, that's all for today. Have a good day. Thank you.